सरकार बेवकूफ बनाने काम कर रही है। तो ये रामचंद्र जी आ रहे हैं, सब कुछ हो जाएंगे। बना रहे जनता का, ईवीएम हटाएंगे हम। ईवीएम हटाने की हम अपील कर रहे हैं, हम आंदोलन कर रहे हैं, ईवीएम हटनी चाहिए। आप चैलेंज कर रहे हैं, हम हटाएंगे, 2024 का चुनाव नहीं होने देंगे। देखिए, देश की जनता को जागरूक कर रहे हैं, देश की जनता को इतना जागरूक कर देंगे 2024 में चुनाव आप देख लेना। बिल्कुल ठेका है, बिल्कुल ठेका है। आप पर लोगों को जागरूक करना, देश को ये बताना कि कुछ गड़बड़ चल रही है, देश के सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान में लेके आना कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ है, ये हमारा काम है, नागरिक ड्यूटी है, हम नागरिक हैं, जागरूक नागरिक हैं देश के। तो इसलिए हम लोग जागरूक करना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, उनकी संज्ञान में लेके आना चाहते हैं। अलार्म बजता है, प्रोग्रामिंग की क्या ना, घड़ी में प्रोग्रामिंग की, फ़ोन में प्रोग्रामिंग की, घड़ी में तो कोई नेटवर्क नहीं है, घड़ी में तो कोई वो नहीं है, वाईफाई नहीं है। तो ऐसे भी ईवीएम की मशीन को प्रोग्रामिंग किया जा सकता है। आज जो मशीन आ रही है सारी हाईटेक की मशीन है, सबको प्रोग्रामिंग की जा सकती है। इससे नकारा नहीं जा सकता कि ईवीएम की मशीन को प्रोग्रामिंग नहीं किया जा सकता है। ईवीएम की मशीन के साथ साथ में वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए। अगर वीवीपैट की गिनती होगी तो एक बार को माना जाएगा कि हाँ, दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है, सच्चाई है। अगर आप केवल ईवीएम की मशीन की गिनती करते हैं और वीवीपैट की गिनती नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें डाउट पैदा होता है कि इसमें चालाकी है। और जब डाउट पैदा होता है, जब इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस नहीं करता है और बीजेपी के नेताओं को पता लग जाता है कि डेट कब होने वाली है, इलेक्शन कब होने वाला है, तो दोनों की कहीं ना कहीं मिली भगत है। इसलिए देश खतरे में कह रहे हैं, संविधान खतरे में कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के साथ जाना चाहते थे, सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहते थे, इस पर सी मोटो लेना चाहते। क्या कारण है जो सुप्रीम कोर्ट से जाने से पहले आप रिटर्न कर लिया? अब पुलिस तो रिटर्न कर ही लेती है ना, पुलिस का काम ही है। अरे पुलिस की ड्यूटी है, पुलिस को ऊपर से फ़ोन आ जाता है, पुलिस कर लेती है। पुलिस अगर देश की सही होती ना, अभी भी ये अंग्रेजों वाली पुलिस ही है, इनके माइंड में वही चल रहा है जैसे अंग्रेज ऑर्डर देते थे, अब काले अंग्रेज ऑर्डर देते हैं। तो पुलिस अपना माइंड तो अप्लाई करती नहीं है भाई, कभी अलवाली अप्लाई नहीं करती है। ऊपर से ऑर्डर आया, ऑर्डर को फॉलो करती है, वो ऑर्डर को फॉलो करती है, माइंड अप्लाई नहीं करती है। देखिए, अगर चुनाव आयोग कोई विकल्प दे दे तो क्या उसको स्वीकार करेंगे या बैलेट पेपर पर ही अड़े रहे? नहीं, कोई अच्छा विकल्प होगा तो स्वीकार करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लोकतंत्र में बात माननी चाहिए, लोकतंत्र में लोगों के वेलफेयर के लिए बात होनी चाहिए, अड़ना नहीं चाहिए लोकतंत्र के अंदर। लोकतंत्र में सब लोग रहते हैं और लोकतंत्र में लोगों की आवाज़ को सुनना चाहिए, क्योंकि लोगों की आवाज़ बड़ी होती है लोकतंत्र के अंदर। एक व्यक्ति की, एक संस्था की आवाज़ नहीं होती है। अगर लोग रहेंगे तो संस्था रहेंगी, अगर लोग ही नहीं रहेंगे तो संस्था का क्या करेंगी? लेकिन सर, ईवीएम पत्थरों की दीवारें क्या करेंगी, पत्थरों की मंजिलें क्या करेंगी? लेकिन आप ईवीएम के खिलाफ सड़कों पर, कोई बड़ी पार्टी के नेता या कोई सड़कों पर नहीं है? ये तो बड़ी पार्टी, देखिए बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी देश की, बहन कुमारी मायावती ने सबसे पहले ईवीएम पर सवाल करा। बहन कुमारी मायावती ने बोला कि ईवीएम में गड़बड़ी ये है। आप बहन कुमारी मायावती का स्टेटमेंट ले लीजिए, बहन कुमारी मायावती हमेशा से ईवीएम पर सवाल करती हैं, ईवीएम पर उनका डाउट है और हमारा भी डाउट है, देश की जनता का डाउट है और पूरा देश इस बात को आगे। लेकिन आपने जंतर मंतर पर ईवीएम हैक करके दिखाया, क्या लगता है उससे कोई फर्क पड़ा? देखिए, इस देश में अत्याचार के खिलाफ बहुत आंदोलन हो रहे हैं, क्या अत्याचार कम हुआ? नहीं हुआ अत्याचार कम। आज भी बहन बेटियों के साथ में रेप हो रहे हैं, आज भी बलात्कार हो रहे हैं, आज भी दलित SC ST OBC के साथ में यहाँ पर बहुत ज्यादा घटनाएं हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमारा काम है जागरूक नागरिक होने के कारण, हमारा काम है लोगों को जागरूक करना, देश को ये बताना कि कुछ गड़बड़ चल रही है, देश के सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान में लेके आना कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ है, ये हमारा काम है, नागरिक ड्यूटी है, हम नागरिक हैं, जागरूक नागरिक हैं देश के। तो इसलिए हम लोग जागरूक करना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, उनकी संज्ञान में लेके आना चाहते हैं। चुनाव पास आ रहा है, अगर ईवीएम से होता है तो चुनाव नहीं होने देंगे क्या? नहीं, चुनाव देखो, चुनाव तो चुनाव होगा, चुनाव क्यों नहीं होगा? क्यों, आपके वकील तो कह रहे हैं चुनाव नहीं होने देंगे। देखिए, अगर ऐसी होगा तो चुनाव नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। बदतमीजी कर रहे हैं वो लोग, मैं कोई बदतमीजी, पार्लियामेंट्री भाषा बोल रहे हैं। वकील कोई बदतमीजी नहीं करता, वकील ग्रेजुएट होते हैं, मैं बदतमीजी कर रहा हूँ आपसे? नहीं, आप तो नहीं कर रहे, आपके साथी तो कर रहे हैं। आप गलत कह रहे हैं, कोई साथी नहीं कर रहा, कोई वकील बदतमीजी नहीं कर रहा। वकील, आप वकील को जानते नहीं हो, वकील ने देश को आजाद कराने का काम किया, वकीलों ने देश की आजादी में सबसे बड़ी भूमिका निभाने काम किया, वकीलों ने देश का संविधान बनाया, वकील आज सारी पार्टियों में। वकील अगर देश के अंदर ना हो ना तो देश को लूट कर खा जाए कुछ संस्था है, पता है आपको? कोर्ट में लड़ाई होती है, आम आदमी कहता है कि न्याय मैं देखूंगा, आई विल सीन द कोर्ट। तो बदतमीजी करोगे आप? कोई बदतमीजी नहीं करना। क्या प्रदर्शन करना बदतमीजी होती है? क्या अपनी बात को उठाना बदतमीजी होती है? क्या लोगों की जो सरकार सोई हुई है उनको जगाना बदतमीजी होती है? अगर ये बदतमीजी है तो हजार बार करेंगे, करेंगे हजार बार। अगर लोगों की बात उठाना, अगर सोती हुई सरकार को उठाना, लोगों के अधिकारों की बात करना अगर बदतमीजी लगती है आपको, तो हम उठाएंगे, उठाएंगे। सरकार सो रही है, सरकार कुछ और बना रही है भैया, सरकार बेवकूफ बनाने काम कर रही है। भैया रामचंद्र जी आ रहे हैं, सब कुछ हो जाएंगे। बना रहे जनता का, ईवीएम हटाएंगे हम।
ईवीएम हटाने की हम अपील कर रहे हैं, हम आंदोलन कर रहे हैं, ईवीएम हटनी चाहिए। आप चैलेंज कर रहे हैं, हम हटाएंगे, 2024 का चुनाव नहीं होने देंगे। देखिए देश की जनता को जागरूक कर रहे हैं, देश की जनता को इतना जागरूक कर देंगे 2024 में चुनाव आप देख लेना। लेकिन क्या लग रहा है? बिल्कुल ठेका है, बिल्कुल ठेका, आप पर भी ठेका है, मेरे पे भी ठेका है, हम देश के नागरिक का ठेका क्यों नहीं है? अरे आप पत्रकार हैं, आप पर ठेका है, हम पत्रकार हैं नहीं है, हम वकील हैं, देश के नागरिक हैं। जागरूक नहीं है, नहीं, जनता को जागरूक करना। आप सोची बता रहे हैं, आप भी जनता हो, मैं भी जनता हूँ, सब लोग जनता ही जनता तो है, सब लोग जनता है। चार लोग जो गए हैं, अब क्या होगा? लाइव डेमो दिखाने वाले थे आप? हाँ जी, अब लाइव डेमो पुलिस ने पकड़ लिया, लाइव डेमो चाय पीने गए चारों लोग। अब जो पीने गए हैं, क्या पीने गए हैं? चाय मिलती है वहाँ पे। अब क्या मिलता है मुझे नहीं पता, क्या मिलता है। पहले चाय पिलाई करो, राम मंदिर की क्राफ्ट प्रतिष्ठा है, मोदी जी कर रहे हैं, क्या लग रहा है अभी? ये सरासर गलत है, ये सरासर गलत है। क्या गलत है? प्रधानमंत्री किसी धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, सरासर गलत है। संविधान किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को किसी धर्म को प्रमोट करने के लिए आजादी नहीं देता है। आप पढ़िए, आप हिंदू हैं, आप व्यक्तिगत हो सकते हैं, आप व्यक्तिगत किसी भी धर्म को मान सकते हैं। जब आप संविधानिक पद पर बैठे हुए हैं तो आप किसी धर्म को प्रमोट नहीं कर सकते हैं, ये संविधान कहता है, ये संविधान कहता है। अगर कोई व्यक्ति इस बात को नहीं मानता है तो संविधान की हत्या करता है, संविधान के खिलाफ जाता है। मोदी जी मौन व्रत पर है, 11 दिन के मौन। नहीं, वो मन की बात बोलते हैं ना, जब उनको मन की बात आती है तो मन की बात बोलते हैं, जब सुनने की बात होती है तो कानों में रुई लगा लेते हैं वो। लोगों की चीख नहीं सुनते हैं, लोगों की आह नहीं सुनते हैं, वो अपने मन की बात बोलते हैं। इस देश में कुछ लोग अपने मन की बात बोलते हैं, लोगों की मन की बात नहीं सुनते हैं। अरे लोगों की मन की बात सुन लीजिए, जो आपने वादे किए थे जनता से कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, अब 9 साल हो चुके हैं, 18 करोड़ रोजगार होने चाहिए थे, कहाँ है रोजगार? बुलेट ट्रेन कहाँ है? कहाँ है बुलेट ट्रेन? पीएम तो देश के बुलेट ट्रेन पीएम तो देश के हैं, लेकिन उनकी एक आस्था भी तो है, वो जिस धर्म से ताल्लुक रखते हैं उनकी अपनी आस्था भी तो है। प्रधानमंत्री की कोई आस्था नहीं होती है, प्रधानमंत्री संविधानिक पद होता है, व्यक्ति की आस्था हो सकती है, मैं कम मना कर रहा हूँ, व्यक्ति की आस्था हो सकती है, तो प्रधानमंत्री पद से अलग जाए ना, व्यक्ति जाए, मैं भी कहीं जा सकता हूँ, आप भी कहीं जा सकते हैं, कोई भी जा सकते हैं। अगर आप संविधान की शपथ लेते हैं और आप कहते हैं कि मैं सारे धर्मों के एक समान मानूंगा, मैं सारे धर्मों की लोगों की रक्षा करूंगा, मैं संविधान के अकॉर्डिंग देश को चलाऊंगा, तो फिर आपको कोई अधिकार नहीं है एक धर्म को प्रमोट करने का। आप गलत करते हैं, आप गलत कर रहे हैं। आप लेकिन कह रहे हैं जो राम को लाए वो कोई लाए को यकीन है, इधर आओ, चुनाव कमीशन को यकीन है अगर ईवीएम पर। लेकिन सर कह रहे हैं जो राम को लाए उन्हीं को लाएंगे। राम को कौन लेकर आए? इनकी औकात है राम को लेकर आने की? राम तो अपने आप आए हैं, राम को कौन लेकर आएगा? राम को पॉलिटिकल शेड्यूल बना दिया है, राम तो घर घर में है भाई, राम तो घर घर में है ना, ये कौन होने राम को लेना भाई? राम का बाजारीकरण कर रहे हैं लोग, आस्था के नाम पर राम का बाजारीकरण कर रहे हैं, गलत है, सरासर गलत है। देश को धर्म के नाम पर नहीं बांटना चाहिए, यहाँ सारे धर्मों का देश है ये, चाहे एक भी व्यक्ति एक धर्म का उसका भी देश है ये। अच्छा, जो उनका मुद्दा खूबसूरती है ना, जो उन्होंने मैनिफेस्टो में डाला था, अगर वो मुद्दा अपना कंप्लीट कर रहे हैं तो वो बताए नहीं जनता को, देखो हमने वादा किया था और वादे को हमने पूरा किया। अगर मैनिफेस्टो में तो क्या क्या डालते, सारे वादे पूरे कर दिए, क्यों नहीं करे सारे वादे पूरे? 15-15 लाख क्यों नहीं दिए? 2 करोड़ रोजगार क्यों नहीं दिए? बुलेट ट्रेन कहाँ चलेगी? सौ स्मार्ट सिटी कहाँ चलेगी? शाइनी इंडिया कहाँ चलेगी? कहाँ गए सारे वादे? जो वादे किए थे एक भी वादा पूरा नहीं हुआ ना, सारे वादे पूरे करो ना। 370